दोस्तों स्वागत है आप सभी का मूवी एंड कंपैरिजन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी के मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो हेनरी कैवल को। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी कैवल के ऑल मूवीज, बजट, कलेक्शन और आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, और देखने वाले हैं हेनरी कैवल की कौन सी मूवीज हिट रही और कौन सी मूवीज फ्लॉप। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक पर है द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, 2002 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.7, बजट था 168 करोड़, कलेक्शन था 360 करोड़। फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर दो पर है आई कैप्चर द कैसल, 2003 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.8, बजट था 110 करोड़, कलेक्शन था 80 करोड़ और फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर तीन पर है हेलरेजर हेल वर्ल्ड, 2005 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 4.2, बजट था 80 करोड़, कलेक्शन था 55 करोड़ और फिल्म था फ्लॉप। नंबर चार पर है ट्रिस्टन अजोल्डा, 2006 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.8, बजट था 140 करोड़, कलेक्शन था 576 करोड़ और फिल्म को सुपर हिट का टैग मिला था। नंबर पांच पर है स्टारडस्ट, 2007 में आया था। रेटिंग 7.6, बजट था 315 करोड़, कलेक्शन 616 करोड़ और फिल्म था सुपरहिट। नंबर छह पर है व्हाटएवर वर्क्स, 2009 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.1, बजट था 100 करोड़, कलेक्शन था 180 करोड़, फिल्म को एवरेज का टैग मिला था। नंबर सात पर है इमोर्टल, 2011 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6, बजट था 345 करोड़, कलेक्शन था 1038 करोड़, फिल्म था ब्लॉकबस्टर। नंबर आठ पर है द कोल्ड लाइट ऑफ डे, 2012 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 4.9, बजट था 106 करोड़, कलेक्शन था 132 करोड़, फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 9 पर है मैन ऑफ स्टील, 2013 में आया था। रेटिंग 7.1, बजट था 1460 करोड़, कलेक्शन था 3778 करोड़ और फिल्म था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 10 पर है द मैन फ्रॉम अंकल, 2015 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.2, बजट था 465 करोड़, कलेक्शन था 636 करोड़ और फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर 11 पर है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.4, बजट था 2005 करोड़, कलेक्शन था 5800 करोड़ और फिल्म था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 12 पर है जस्टिस लीग, 2017 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.1, बजट था 2010 करोड़, कलेक्शन था 4400 करोड़, फिल्म था ब्लॉकबस्टर। नंबर 13 पर है सैंड कैसल, 2017 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.3, बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल, फिल्म को एवरेज का टैग मिला था। नंबर 14 पर है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, 2018 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.7, बजट था 1246 करोड़, कलेक्शन था 5537 करोड़ और फिल्म था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 15 पर है अनोला होम्स, 2022 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.6, बजट था 380 करोड़, कलेक्शन था 570 करोड़, फिल्म को एवरेज का टैग मिला था। नंबर 16 पर है अनोला होम्स 2, 2022 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.8, बजट था 402 करोड़, कलेक्शन था 760 करोड़ और फिल्म को हिट का टैग मिला था।